टीजीटी बीटी कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम FCFS जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को हम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि ये सबको समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आप हमारा हैंडरिटन नोट्स का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते, तो इसकी आपको फर्स्ट फॉर्म पता चल गई। FCFS को बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट CPU फर्स्ट एलोकेटेड फर्स्ट, मतलब जो प्रोसेस जो हमारा CPU की रिक्वेस्ट पहले करता है उसको पहले एलोकेट हो जाता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें है प्रोसेस P1 P2 P3 है और इसका बस टाइम है 18 2 और 2। तो हम इसका जाइंट चार्ट बना के देखें, तो इसमें P1 P2 P3 हम लिखेंगे। उसके बाद P1 के जो हमारा लेफ्ट साइड में होगा उसमें हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 18 जो कि P1 का बस टाइम है, उसके बाद P2 का जो 2 था तो वो 18 में ऐड होके 20 हो जाएगा, और जो P3 का भी 2 था वो इसमें 20 में ऐड होके उसका होगा हमारा 22। तो हम इनका वेटिंग टाइम जो लिखेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, तो इसमें वेटिंग टाइम P1 के लिए होगा 0, P2 के लिए होगा 18 और P3 के लिए होगा 20। तो इस हिसाब से हम इसका वेटिंग टाइम लिखेंगे और इसके हम इसके बाद हमारा एवरेज टाइम एवरेज वेटिंग टाइम हमको इसका कैलकुलेट करना होता है। तो वो होगा इन तीनों को ऐड करके जो नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उनसे डिवाइड करेंगे, जैसे 0 प्लस 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर होगा 38/3। तो दोस्तों, ये इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दोस्तों, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको P3 तक ही मिले, आपको कितने भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेम प्रोसेस में फॉलो होगा। तो ये OS चैप्टर का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे कभी कभार एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से करिए, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।